नाम है मानव राय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं Xiaomi के न्यू सीरीज MIA1 फोन के बारे में। ये जो फोन है, गूगल ने इसका सॉफ्टवेयर किया है, इसका जो हार्डवेयर है तैयार किया है Xiaomi कंपनी ने। सो बात करते हैं, ये जो फोन है MIA1 क्या Redmi Note 4 से बेहतर है और MIA1 फोन के अंदर क्या क्या स्पेक्स है, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो घंटी वाला आइकन है उसे दबा दो। तो सीधे चलते हैं दोस्तों MIA की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जान लेते हैं MIA1 फोन के अंदर क्या क्या। MIA की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुका हुआ और यहाँ पर लिखा है फ्लैगशिप ड्यूअल कैमरा। सो ए 5 सितंबर मतलब आज ही लॉन्च किया है MIA ने दिल्ली के अंदर। MIA1 की प्राइसिंग है 14999। सो 2x ऑप्टिकल जूम है, उसके साथ साथ फुल मेटल बॉडी है, 2.5D ग्लास इसके अंदर यूज़ किया गया है, स्नैपड्रैगन 625 का ऑक्टाकोर सीपीयू है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं, इस फोन के अंदर MIA का 9 और 8 कोई भी ओएस सिस्टम नहीं है, इसके अंदर प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर है तैयार किया है गूगल ने। सो आपको प्योर गूगल का एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके साथ साथ अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज है गूगल से। मैं पर्सनली स्टॉक रोम प्रेफर करता हूँ, पर मुझे कस्टमाइज भी अच्छा लगता है, पर इसलिए मैं रजिस्टर्ड मिक्स रोम की यूज़ करता हूँ एज माई प्राइमरी रोम। स्टॉक रोम के अंदर ज़्यादा फीचर्स नहीं होता है, ज़्यादा कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं है, पर MIUI के ऊपर ज़्यादा कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, इसलिए जो रोम है MIUI रोम एज कम्पेयर टू स्टॉक रोम स्लो हो जाता है। दोस्तों जैसे देख पा रहे हो गूगल प्ले प्रोटेक्शन है, और इसके साथ बता दो दोस्तों फ्रेश MIA1 के अंदर एंड्रॉयड ओ मिल जाएगा 2017 के अंदर। एक काफ़ी अच्छी बात है, बिल्ड इन क्रिएटेड बाय Xiaomi पावर बाय गूगल, एक काफ़ी अच्छी बात है। एंड्रॉयड 1 सीरीज है, 3rd नंबर सीरीज है। पहला बड़ा जो सीरीज था वो स्पाइस माइक्रोमैक्स लॉन्च किया था, वो मैं खुद पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ, काफ़ी अच्छा फ़ोन था। 1 GB RAM के साथ आता था, 5000 उसका बजट था। उसके बाद आया लावा के साथ सेकेंड जनरेशन, जिसका प्राइस हुआ 10000 के आसपास, और है 3rd जनरेशन, इसका प्राइस हुआ है 14999। उसके बाद दोस्तों इस फोन के अंदर IR ब्लास्टर भी है, यहाँ पर डुअल कैमरा है 2x जूम के साथ, जैसे कि मैं आपको बता रहा। 14 नैनोमीटर की फिनफेट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है स्नैपड्रैगन 625 के अंदर। उसे 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, 10 वोल्टेज की स्मार्ट PA है, तो हाई कैपेसिटी ऑडियो की सपोर्ट भी इसके अंदर है। उसके साथ साथ डुअल ग्राफिक शीट है, सो ये काफ़ी अच्छी बात है। 2 सेल्सियस के अंदर भी ये फ़ोन को यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ 3080mAh की बैटरी है, बैटरी अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता है काफ़ी अच्छी बात होती, पर USB Type-C यहाँ पर यूज़ किया गया है दोस्तों, और हाई क्वालिटी ऑडियो आप इस फ़ोन के ऊपर से पा जाओगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हो बैटरी लाइफ, थर्मल परफॉर्मेंस, स्मूथ परफॉर्मेंस इस फ़ोन के अंदर मेरे हिसाब से ऑन पेपर हीट नहीं होगा, पर रियल लाइफ में देखना पड़ेगा क्या हीट होता है, बैटरी परफॉर्मेंस किस तरह से है। और जैसे कि आपको बता दोस्तों, यहाँ पर 2 कैमरा यूज़ किया गया है, 12 MP का वाइड एंगल, उसके साथ साथ 12 MP की टेलीफोटो लेंस, उसके साथ साथ 2x ऑप्टिकल जूम से 10x डिजिटल जूम यहाँ पर है, 1.25 की लार्ज पिक्सल इसके अंदर यूज़ किया गया है, काफ़ी अच्छी बात है। और जैसे देख दोस्तों शॉट भी काफी अच्छा है, पिक्चर क्वालिटी भी ठीक ठाक है, यहाँ पर रियर कैमरा के अंदर ब्यूटिफिकेशन 3.0 मिल जाता है, नेचुरल कलर भी है, और यहाँ पर कुछ कंपैरिजन हुआ है, यहाँ पर आईफोन है, यहाँ पर OnePlus 5 है, यहाँ पर है MIA1। सो दोस्तों कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लैगशिप ड्यूअल कैमरा सेटअप। सो जैसे आप देख पा रहे हो दोस्तों, सो MIA ने फाइनली गूगल के साथ पार्टनरशिप करके फोन इंडिया के अंदर लॉन्च किया कर दिया है। और आपको पता दोस्तों इस फ़ोन के अंदर गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन है, पर कौन सी गोरिल्ला ग्लास है अभी तक कंफर्म नहीं है, और इसका जो टोटल वेट है वो है 168 ग्राम। सो राउंड एज है, और जैसे आप देख पा रहे हो थिन एंड लाइट है, 3 कलर में अवेलेबल है, गोल्ड, रोज गोल्ड और उसके साथ ब्लैक। मैं पर्सनली ब्लैक लूँगा। उसके बाद बात करते हैं क्या आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए और क्या ये फ़ोन Redmi Note 4 से बेहतर है। दोस्तों ऑन पेपर मेरे हिसाब से Redmi Note 4 और जो MIA1 है दोनों ही सेम लगते हैं, और CPU भी सेम है, GPU भी मेरे हिसाब से सेम होगा, पर यहाँ पे देखने का चीज़ है जो कैमरा, डेफिनेटली MIA का A1 के अंदर बेहतर कैमरा होगा एज कम्पेयर टू Redmi Note 4। सो मेरे हिसाब से अगर आप ड्यूअल कैमरा के सेटअप चाहते हो, एंड्रॉयड का स्टॉक OS चाहते हो, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको MIA1 ट्राई करना चाहिए। और मैं पर्सनली अगर मेरे पास Redmi Note 4 नहीं होता तो मैं डेफिनेटली MIA1 को ही खरीदता, क्योंकि इसके अंदर एक स्टॉक एंड्रॉयड है और ड्यूअल कैमरा भी है। सो मैं फोटोग्राफी करता हूँ, वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए डेफिनेटली मैं इस फोन को खरीदना चाहता हूँ।
दोस्तों अगर आप समझते हो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो घंटी वाला आइकन है उसे दबा दो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, उसके साथ साथ कमेंट करके बताओ। आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।